नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। चुनावी स्वाद लेकर मैं फिर हाजिर हूं, चुनावी पान लेकर। पेशलाई चुनाव की शान, जनता की मांग, नेताजी का काम, देखो चुनावी तामझाम। चुनावी जायके के लिए लीजिए पेशल 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 चुनावी पान। आपको बता दूं कि जो मैंने काला कुर्ता पहना है वो किसी का विरोध नहीं है, इसलिए भैया मेरे कोई चेकिंग वेकिंग मत कीजिएगा। दूसरा, जो मैंने ये जैकेट पहना है अपने पैसे से लिया है, किसी भी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दंतेवाड़ा के विधायक देवती कर्मा के खिलाफ उनके सुपुत्र ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको मौका दिया जाना चाहिए। अब मौका मिलते नहीं देखकर उनके जो सुपुत्र हैं, देखिए ये संसार है, उस माँ ने जिस माँ ने बड़ा किया उनके खिलाफ ही जाकर छविंद्र जो हैं उनके सुपुत्र चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी राजनीति है भैया, जो माँ बेटा आपस में लड़ना चाहते हैं। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। उनका कहना है कि यदि टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मां के खिलाफ जरूर चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले जो प्रत्याशी हैं उनके चयन में व्यस्त हैं। इधर अजीत जोगी जी, जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो, अच्छा आ जाओ, बसपा आ गया, सीपीआई भी मिलो मिलो मिलो, और कोई बचा है क्या? और आपको भी एक आध दो सीट देंगे, आप अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, ऐसा चल रहा है भैया जोगी जी का कार्यक्रम। उनका कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। मैं जोगी जी से पूछा, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि हमारी पार्टी की सरकार बने और इसमें सभी भाइयों की हिस्सेदारी रहे, छत्तीसगढ़ियों की हिस्सेदारी रहे, अपने लोगों की हिस्सेदारी रहे, मेरी हिस्सेदारी रहे और बेटे की हिस्सेदारी रहे और पत्नी का बाद में बताऊंगा, लेकिन सबकी हिस्सेदारी रहे, ऐसा जोगी जी का सोचना है। इसीलिए बसपा, उसके बाद सीपीआई, अब देखिए आगे आगे चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आएगा तो और कोई नया गठबंधन ना हो जाए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 18 विधायकों के टिकट काट सकती है। अब क्या है, जिसको जिसको लग रहा है वो बेचारे बड़े टेंशन में हैं, वो चिल्लाते हैं नहीं, जैसे पिक्चरों में दिखाता था वैसे ही चिल्लाते हुए आगे तक दौड़ जाते हैं। उसमें जो है 3 मंत्रियों के भी नाम हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है भैया, हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो हो, लेकिन अटकलें चल रही हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि धर्म पत्नी को आगे कर दिए, उनके नाम से दीपावली की शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं डाल रहे हैं, मतलब उनको उम्मीद है कि हमको नहीं मिलेगा तो वाइफ को तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिनका ये भी ठिकाना नहीं है वो बहुत टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी 65+ के लिए लगातार फूंक फूंक क्या कदम रख रही है, बाबा अलग बोल के चले गए हैं, 65+ से एक कम नहीं होना चाहिए अमित शाह जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। अब बेचारे पर्यवेक्षक लोग क्या है, मतपेटी बनाए, उसमें वोट डालना था कि जो सीटिंग एमएलए हैं, जो लोग हैं वो लोग हैं कि नहीं है, विरोध में कितने लोग हैं, इसको जानने के लिए अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही लोगों को मत डाले भाई, सही बता रहा हूँ। वो मत किसके साथ था वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसका उद्देश्य यह था कि कौन कितना विरोधी है, किसके कितने विरोधी ज्यादा हैं, यह पता करना था पार्टी को। मानना पड़ेगा जी, मानना पड़ेगा अमित शाह जी के इस दांव को। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले दे लोकार्पण दे रंगाई, दे पुताई, आगे फटाफट काटो यार, टाइम देखो फटाफट, कई जगह ऐसा हो गया है लोकार्पण
बाद में नेता लोग खुद टेंशन में है, अरे यार आधा दूरा का कहीं मैं करके आ गया हूँ तो बाद में पब्लिक बोले मत। नहीं भैया, एकदम लोग खुश हैं। उनका कहना है कि यदि वापस आ जाओगे ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन नेता अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, जिसका लोकार्पण करके आ गए हैं, रात में सपने में आता है वो सब लोकार्पण। चुनावी स्वाद लिए चुनावी पान में आज इतना ही, मैं फिर होऊंगा हाजिर चुनावी स्वाद लिए चुनावी पान लेकर।